गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर जीके क्लासेस, दैट इज योर जनरल नॉलेज क्लासेस। ठीक है बच्चों, तो क्लास फर्स्ट हम लोग जीके में चैप्टर नंबर 34 तक पढ़ चुके हैं ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 35। क्या पढ़ेंगे, लेसन नंबर 35। कैसे लिखते हो 35 को, 3535। चलो, तो चैप्टर नंबर 35, लेसन नंबर 35 ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, आप कौन से पेज नंबर पे आ जाओ, 4444। तो सारे बच्चे बुक ओपन करके पेज नंबर 44th पेज पे आ जाए विद द पेंसिल एंड रबर इन योर हैंड। चलो, पेंसिल और रबर ले लीजिएगा और शार्प कर लीजिएगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर लेसन नंबर 35 पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पे 3535, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, अबाउट दी PARTS पार्स। क्या होता है PARTS पार्स, OF ऑफ ए, ठीक है, COMPUTER कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या पढ़ना है लेसन नंबर 35 में, हम लोग किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट दी पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर आप सब जानते हैं, आप सब यूज भी करते हैं। क्या होता है कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और वो क्या कर सकती है, फास्ट कैलकुलेशंस कर सकती है ना। जो आप काम पेपर पेन पे करोगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन टाइम लगेगा, कंप्यूटर तुरंत उसको चुटकियों में कर देगा। ठीक है, और भी बहुत सारे, अगर आप उसको इंटरनेट से जोड़ दोगे कंप्यूटर को, तो वो आपको क्या कर सकते हो, आप उसे ईमेल सेंड कर सकते हो अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को जो दूर बैठे हुए हैं, जो आपके पास नहीं है, अदर कंट्रीज़ में है, उनको आप ईमेल सेंड कर सकते हो। ठीक है, अदर सिटीज़ में है उनको भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर से ही आपका रिजल्ट भी बन जाएगा, कंप्यूटर के ही द्वारा आज आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो ऑनलाइन बैठे बैठे, है ना। जो वीडियो हम आपको सेंड करते हैं उसको आप लोग यूट्यूब पे कंप्यूटर में भी खोल के, इंटरनेट से जब आप कंप्यूटर अपना उसको अटैच कर लोगे तो आप उसको देख सकते हो। तो कंप्यूटर क्या है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा हमको वो लाभदायक चीज़ है, हमको वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देता है हमारे लिए अपने टास्क को कम्प्लीट करने। तो देख, तो कंप्यूटर से हम इतना यूज तो करते हैं कंप्यूटर, लेकिन हम कंप्यूटर को अभी अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो कितने किन किन चीज़ों के काम आते हैं। चलो, तो देखो कंप्यूटर आप लोगों ने देखा है ना फिगर में। चलो, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर हम लोग चैप्टर नंबर 35 पर जाना। अ कंप्यूटर हैज मैनी पार्ट्स, तो कंप्यूटर के बहुत ही अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट्स दिया गया है, और यहाँ पे ABCD फोर आपको ABCD दिया गया है, 4 फिगर्स दिया गया है आपको। जो भी पार्ट यहाँ पे दिया है आपको उस फिगर से क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। चलो, तो आप चलो करते हैं इसको, 1 2 3 4 लिख लो सब लोग। चलो, 1 पे क्या है, क्या लिखा है 1 पे, MONITOR मॉनिटर। कैसे लिखोगे, MONITOR मॉनिटर। ठीक है, आर ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, दोनों ही बात बराबर होती है। देखो, MONITOR मॉनिटर को क्या बोलो, कैसे बोलोगे इस चीज को, मॉनिटर। तो देखो, मॉनिटर जो है वो कहाँ पे बना है, इन चारों में से ये है आपका मॉनिटर। तो जो सी पार्ट में दिया है वो क्या हो गया आपका, मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर किससे जोड़ोगे, सी से, है ना। जो पार्ट नंबर सी दिया है, जिस पर आप, जिस स्क्रीन पे आप देख पाते हो, अपना होम पेज देख पाते हो, जिस पे आपको विजिबल होती है हर चीज, क्या होती है, मॉनिटर। स्पेलिंग नंबर लीजिएगा मॉनिटर की, MONITOR। चलिए, सेकंड में क्या लिखा है, CPU।
सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग और यू से यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू बोलते हैं। तो कंप्यूटर में आपने ये वाला जो पार्ट देखा होगा अपने कंप्यूटर में, जो टेबल के ऊपर रहता है आपका, वो क्या है, मॉनिटर, और टेबल के नीचे जो ये पार्ट रहता है कंप्यूटर का, इसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सीपीयू के नाम से जानते हैं। तो सीपीयू को किससे मैच करोगे, ए से। चलो सीपीयू को किससे मैच कर दिया, ए से। चलो थर्ड में क्या लिखा है, थर्ड में क्या लिखा है, कीबोर्ड। कीबोर्ड किसका लिखा होगी, की ई वाई की बी ओ ए आर डी की बोर्ड। देख अब वो पार्ट कंप्यूटर का जिससे जिसमें आप कीज को प्रेस करके कुछ भी टाइप कर पाते हो, जो एक बोर्ड पे कीज ढेर सारी बनी रहती है ना, इसीलिए उसका नाम क्या होता है, कीबोर्ड। उसी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड कहाँ पे है, ये क्या होता है इस पर, जैसे यहाँ पे भी आपको यहाँ पे फिगर दिया गया है बड़ा सा कीबोर्ड का, यहाँ पे देखिए ढेर सारी कीज हैं कीबोर्ड पे कैसे बनाई गई हैं, और आप क्या करते हो इनको प्रेस करके जो भी आपको लिखना है मैसेज में आप उसको लिख पाते हो। तो ये क्या हो गया, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड कौन सा फिगर दिया गया है, डी। इसे नाम को क्या, डी। चलो आ जाओ बोर्ड नंबर पे। फोर्थ में क्या लिखा है, M O U S E, माउस। अब माउस मतलब तो क्या होता है, आप समझोगे कि माउस मतलब होता है चूहा, लेकिन यहाँ पे माउस चूहे के हिसाब से हम लोग नहीं समझेंगे। ये जो माउस है ये भी एक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे कर्सर को इधर उधर करने में हमारी मदद करता है। जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो जो एरो आता है ना कंप्यूटर के पूरे स्क्रीन पे, वो उसको हिलाने के लिए, उसको हमको जहाँ पे जाना है, जिस भी टैब पे जाना है, ठीक है, उस पे जाने के लिए जिसका यूज़ करते हैं हम लोग माउस का, ऐसे से हम लोग उसको हिलाते नहीं है, वो ये है। आजकल वायरलेस माउस भी होता है, ठीक है, जिसमें वायर नहीं होता और तब भी काम होता है। तो ये हो गया आपका माउस। तो माउस कहाँ पे है, बी, फिगर बी है। किससे मैच करोगे, फिगर बी से। चलो मैच कर लो फटाफट। ये हो गया आपके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें क्या क्या है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। देखो फैक्ट फाइल में क्या लिखा है, पढ़ लो, कंप्यूटर इज अ मशीन डेवलप्ड बाय मैन विच वर्क्स ऑन मैन्स ऑर्डर्स। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि किसने बनाया है, मैन ने, हम लोगों ने बनाया, इंसान ने बनाया, जो कि हमारे हिसाब से काम करती है। हम उसमें जो भी डेटा देते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, हम उसमें उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो तुरंत हमें डेटा को प्रोसेस करती है और इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें देती है। चलो थिंक एंड आंसर में क्या है, नेम द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट इज ऑल्सो द नेम ऑफ एन एनिमल। अब देखो पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के आप ऐसे हिस्से का नाम बताइए जो कि एक एनिमल का भी नाम है। तो अभी आपने पढ़ा ना माउस, माउस मतलब क्या होता है, चूहा, है ना, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि माउस मतलब होता है चूहा। तो माउस कंप्यूटर में भी तो होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, थिंक एंड आंसर में क्या आंसर हो जाएगा, ऐसे लिखोगे एम ओ यू एस ई, माउस। इसलिए हमने कहा ना कि आपको पार्ट ऑफ द कंप्यूटर के स्पेलिंग को लर्न करना पड़ेगा। तो कैसे लर्न करोगे, एम ओ यू एस ई, माउस। चलो देखो मोर टू डू में क्या है, इन द गिवन कीबोर्ड, यहाँ पे आपको कीबोर्ड दिया गया है, कलर द नंबर कीज विद ब्लू। तो देखो नंबर कीज आपको सबसे ऊपर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये जो नंबर कीज हैं इसको तुम क्रेयॉन से कलर करोगे, और कौन से क्रेयॉन से, ब्लू कलर से। द लेटर कीज विद पिंक, फिर लेटर कीज देखो यहाँ पे क्यू डब्ल्यू ई आर टी जेड यू आई ओ पी यू ए एस डी एफ जी एच जे के एल ओ वाई एक्स सी वी बी एन। ये जो लेटर कीज है, अल्फाबेट कीज है, उसको आपको किससे कलर करना है, पिंक क्रेयॉन से। स्पेस बार, देखिए ये जो बार है सबसे बड़ा वाला बार होता है, स्पेस बार होता है, जिसमें हम लोग किसी भी वर्ड के बीच में स्पेस देते हैं दूसरे वर्ड को लिखने से पहले, तो स्पेस बार ये होता है। तो आप इसको किससे करोगे, कलर रेड कलर से। एंड द एंटर की
की विथ येलो, और ये जो होता है आपका एंटर की, जिसपे एरो बनाना, ये क्या होता है एंटर की। इसको आपको किससे कलर करना है, किस क्रेयॉन से, येलो कलर से। तो फिर से समझ लीजिए, नंबर कीज विथ ब्लू, नंबर कीज को किससे करोगे, ब्लू से। लेटर कीज विथ पिंक, जो लेटर कीज है ABCD पिंक कलर से। स्पेस बार जो सबसे बड़ा वाला है उसको रेड से। और एंटर की जिसपे एरो बना है उसको किससे आपको करोगे, येलो कलर से। तो ये काम आपको होमवर्क के तौर पर करना है, एज अ होमवर्क आपको ये काम, ये वर्क करना है। ठीक है क्लास, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 35 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट चैप्टर नंबर 36। ओके क्लास, थैंक यू।